भाई नौ सेगमेंट शुरू को से नातर इस पाकिस्तान क्या जगह की बात नातर मुख्तलिफ कानूनों के अर्तजा का ताम शिन खुराक शिन चमन शिन हतन बारा इस पाकिस्तान इस पा कराची जगह से हया मुख्तलिफ खुराक हम सब अशे से जी बोलते हैं सरी मटनी इतनी कहलाती है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर खास तौर पर होती है और माशाल्लाह बड़ा टेस्ट होता है और बड़ा पसंद करते हैं मेरी बिरयानी है चिकन की बिरयानी है। कराची की बिरयानी सुनी बहुत मशहूर है जी सर बिल्कुल इसमें क्या वजह होती है सर इसके खास मसाले होते हैं और डिफरेंट टेक्निक से बनाया जाता है कितनी किस्म की बिरयानी होती है सर मुख्तलिफ किस्म की सिंधी बिरयानी कढ़ाई हो गई हैदराबादी बिरयानी हो गई बहुत सारी किस्म की चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी मटन की हो गई बीफ की हो गई अच्छा ये क्या है जी सर ये मटन आलू गोश्त कहलाता है और यहाँ की ये भी स्पेशलिटी में से आता है क्योंकि ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह अमरूद बनाते हैं जो गेस्ट खा के जाता है वो खुश होके जाता है सर ये चिकन जलफेजी है माशाल्लाह अगर आप बाइट लेंगे इसका तो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स के साथ चिकन का भी इसके लिए फ्लेवर सर ये पनीर मसाला खासकर पनीर को सौते करके फिर मसाले में भुना जाता है उसकी तो सबसे भी है ये भी आप लोग स्पेशलिटी जैसे स्पेशलिटी तो नहीं कह सकते मगर ये स्पेशलिटी सेंस में कि इसको पहले फ्राई किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल फिश करी सर अब फिश जो है ना ये करी में जी सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सी कम जगह है जहाँ पर फिश करी दी जाती है या तो तली जाती है या तो बारबेक्यू होता है ये जी मशहूर सिर्फ पाया आगे जी पाए छोटे या निके के पाए हैं जी सर बड़े के पाए लोग बड़े शौक से खाते हैं ये क्या सर इससे स्पेशलिटी ये होती है कि बटर और क्रीम में खासकर प्रयोग होती है और चिकन मखनी के जी चिकन मखनी खासकर बटर और चिकन इसके क्रीम बहुत ज़्यादा डाली जाती है और उसको फ्लेवर की तरह टॉस किया जाता है जब टॉस होता है तो उसका फ्लेवर ही अलग ही आता है सर ये चने की दाल है और स्टीम राइस अच्छा ये आपकी स्पेशलिटी है कबाब अच्छा सुना है कराची के जो सी फूड है बहुत मशहूर है बिल्कुल मशहूर है सर उसमें आप यहाँ पे क्या कौन कौन से हैं यहाँ पे फिश हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लाइक ग्रेप वगैरह नहीं होते ये आपका मेन मेनू इसके बाद अगर आप इसमें आए तो आज स्पेशलिटी में हमारे पास लौकी का हलवा लौकी का हलवा ये बड़ा पसंद किया जाता है और अगर आप जलेबी की बात करें तो बहुत क्रंची होती है जलेबी तो क्रिस्पी होती है ये आपके साथ पास मुख्तलिफ सॉसेजेस हैं ये सब सॉसेज कहलाते हैं अच्छा और ये मुख्तलिफ किस्म के बनाए जाते हैं खासकर मायो हो गया टाटर हो गया ये कराची के लोग मिर्ची ज़्यादा क्यों खाते हैं क्या वजह है यार सर इसकी वजह ये है कि यहाँ के लोग चटकारेदार होते हैं अच्छा चटकारेदार खाने वाले जिसको चटोरे कहते हैं चटोरे का बता सकते हैं ये चॉकलेट सर चॉकलेट कहलाती है चॉकलेट ब्राउनी है ये खास से बहुत सॉफ्ट होती है अंदर से और माशाल्लाह बेस बड़े लाइट करते हैं और ये हमारे डिफरेंट किस्म की कुकीज आ गई ये कैनेट वाली कुकी है अस्सलाम वालेकुम When you have a chance to visit Karachi, I strongly recommend you must try the seafood of Karachi. You can see the prawns, the grilled fish, the chomps. So seafood is a must-try item. Ji muhtaram khush rakhan sa lolta me ya Karachi mashhoor dish kya kya shin kya kya mero fashion मैं खिला हम से मदी बहुत ज़्यादा नाश्ता है जलेबी से हम बुझी वर गया अब हम ट्राई कम वहाँ के कि रोशन लौकी का हलवा रहे लौकी अरुद्रन है खादू उद्रन है खादूर हो हलवा सा उदे ट्राई को सी सर तानते क्या जगह के बातें में हफ्ते खुराकन मुख्तलिफ खुराकन जबोर छमन जबोर अल्लाह ताला शुक्रिया अदा करूँ अस्सलाम वालेकुम।